घर और किचन के कामों को करना काफी मुश्किल लगता है, लेकिन छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू किया जाए तो यही काम काफी आसान हो जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो हमेशा की तरह आपको बहुत पसंद आएंगे। वीडियो देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दीजिए कि आप इस चैनल का वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। अगर आपके घर में भी इस तरह की सिलाई मशीन है तो आप भी बिना जरूरत के बार बार आटा गूंथ कर तैयार करेंगी। सिलाई मशीन की सफाई कुछ कुछ दिनों पे हम सभी करते हैं, चाहे तो कपड़े से करें या फिर ब्रश से। ऊपर की सफाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बहुत अच्छे से हो जाती है। लेकिन ये जो नीचे के रॉड हैं, इसको अगर हम ब्रश से भी करते हैं तो भी बहुत अच्छे से नहीं साफ होता है, क्योंकि कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर ब्रश बहुत आसानी से नहीं जाता है, और अगर जाता भी है तो गंदगी को बहुत अच्छे से बाहर नहीं निकालता है, क्योंकि इसमें जाला लग जाता है या फिर धूल मिट्टी रहता है या धागा का छोटा छोटा टुकड़ा रहता है, तो वो सब जल्दी बाहर नहीं निकलता है, काफ़ी दिक्कत होती है सफाई करने में। तो इसी के लिए हमारी ये टिप है। तो हमें चाहिए गुथा हुआ आटा। जरूरी नहीं है कि आप एकदम ताजा फ्रेश आटा लीजिए, जैसे कभी कभी होता है आटा थोड़ा सा नीचे गिर गया उसको ले लीजिए, या फिर हम रोटी बना रहे हैं कोई लोई नीचे गिर गई उसको ले लीजिए, या फिर रोटी बनाते समय जो परथन हो गया, परथन भी साइड में गिर जाता है तो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करेंगे तो वो भी थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि फ्रेश आटा ना लीजिए, क्योंकि आटा काफी महंगा है। तो जो आटा आप खाने में यूज नहीं कर सकती हैं उसी तरह का आटा लीजिए। मैं भी यहाँ पर परथन वाला आटा ली हूँ, पर डे रोटी बनाते बनाते साइड में जो गिरता है उसी को इकट्ठा करके रखी हूँ और उसी को गूंथ कर यहाँ पर डो तैयार कर ली हूँ। तो आटे को हम इस तरह से करेंगे और बढ़िया से जितने भी पार्ट्स हैं ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे ऐसे करके आटे को यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। इससे क्या होगा, जो भी धूल मिट्टी यहाँ पर चिपके रहते हैं सब बहुत आसानी से आटे में आ जाते हैं, और अगर धागे के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिसको निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है तो आटा उसको भी चिपका लेता है। इस तरह आटे को हल्का हल्का प्रेस करेंगे, जितनी भी गंदगी यहाँ पर होगी सब आटे में चिपक जाएगी। तो ये देखिए आटा कितना गंदा हो चुका है, और पास से दिखा रही हूँ, देखिए आटा कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है और इसमें धागे के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जाले हैं और बहुत सारी गंदगी है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, बहुत गंदा हो चुका है। इस तरह आप थोड़े से आटे से अपनी सिलाई मशीन की बहुत बढ़िया से सफाई कर सकती हैं। तो है ना कमाल की टिप। टिप आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। हार्पिक का यूज हम टॉयलेट साफ करने के लिए तो करते ही हैं, इससे टॉयलेट बहुत अच्छे से साफ हो जाता है, लेकिन आज हम टॉयलेट में जो बाल्टी या मग्गा यूज होता है उसको साफ करेंगे। तो हार्पिक से ये चीजें भी बहुत अच्छे से साफ हो जाती हैं। मैं यहाँ पर मग्गा साफ करके दिखा रही हूँ। अगर इंडियन टॉयलेट किसी के घर में होता है तो साइड में वो बाल्टी और मग्गा भी रखे रहते हैं, तो वो बाल्टी और मग्गा आप देखी होंगी, किसी किसी के घर में इतना ज्यादा गंदा हो जाता है कि हाथ से छूने का मन नहीं करता है, यूज करने का मन नहीं करता है। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसा कोई मग्गा या बाल्टी है जो बहुत ज्यादा गंदा है या फिर हल्का फुल्का ही गंदा है, तो लीजिए हार्पिक और हार्पिक को मग्गे में इस तरह से डाल दीजिए, बाहर से भी अंदर से भी, और हाथ में कोई ग्लव्स पहन लीजिए या तो फिर पॉलीथिन लगा लीजिए, और अब इसको बस ऐसे ही हल्के हाथ से रब कीजिए, आपके टॉयलेट का बाल्टी या मग्गा पूरी तरह से साफ हो जाएगा। बस इसको हल्के हाथ से ऐसे रब कीजिए। तो ये देखिए पहले कितना गंदा था और अभी देखिए कितना साफ हो चुका है। मैं इसको धुलकर भी दिखा रही हूँ, तो देखिए कितने अच्छे से ये साफ हो चुका है। तो अगर आपके भी टॉयलेट का मग्गा या बाल्टी बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है तो बस फटाफट कुछ सेकंड में ही हार्पिक से आप उसको भी चमका सकती हैं। अब नेक्स्ट टिप के लिए हमें चाहिए कोई बॉटल, चाहे तो कांच का बॉटल ले लीजिए या फिर प्लास्टिक का। मैं यहाँ पर अमूल कूल का बॉटल ली हूँ, इसका रैपर उतार के फिर ली हूँ। तो इस पर हम इस तरह का कोई टिप रखेंगे। अब इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी। तो बस इस तरह से 4 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी डालेंगे, और ऐसे करके डालेंगे तो आसानी होगी, वैसे बाहर गिरने का डर रहता है। अब इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून कॉफी।
अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून हल्का गर्म पानी, बहुत ज्यादा गर्म पानी का यूज नहीं करेंगे। अब इसका ढक्कन अच्छे से बंद करेंगे और इसको शेक करेंगे। तो बस थोड़ी देर में ही हम देखेंगे इसमें झाग बनने लगा है और इसका कलर भी चेंज होने लगा है। तो पहले देखिए कितना डार्क था, अभी देखिए थोड़ा लाइट हो गया है। अभी हम इसको थोड़ी देर और शेक करेंगे। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अगर आप एकदम व्हाइट चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए और शेक करना पड़ेगा, लेकिन अब मैं निकाल रही हूँ इसको। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसमें झाग बना है। 1 कप लेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून के करीब डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 4 से 5 आइस क्यूब और अब लेंगे एकदम ठंडा दूध। मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा ऊपर से भी डाल देंगे कॉफी इस तरह से। तो ये हमारी बनकर तैयार हो गई है कोल्ड कॉफी। तो कोल्ड कॉफी बनाना देखिए कितना आसान है, कोई भी बना सकता है। तो इस तरह से आप भी कोल्ड कॉफी बनाकर पी सकती हैं और बच्चे जिद करें तो बच्चों को भी दे सकती हैं। इसी तरह से आप हॉट कॉफी भी बना सकती हैं। ठंडे दूध के बजाय गर्म दूध लीजिए और आइस क्यूब का यूज मत कीजिए, फिर आपकी हॉट कॉफी तैयार हो जाएगी। तो नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के जले हुए बर्तन को लेकर। इसको आप देख पा रही होंगी सिल्वर का भगोना है और बहुत बुरी तरह से जल चुका है। तो इसमें मैं फरा बना रही थी और इसका पानी खत्म हो गया, मतलब कि फरा को स्टीम कर रही थी और दूसरे रूम में बैठकर फरा बना भी रही थी। तो इसमें पानी खत्म हो गया और ये भगोना बुरी तरह से जल चुका। जब मुझे इसमें लाई तो पता चला कि तब तक ये पूरी तरह से जल चुका था। तो अब मुझे ये बहुत अच्छे से साफ करना है, फिर से बिल्कुल नए जैसा चमकाना है। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ टिप भी शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ भी अक्सर ये प्रॉब्लम आती होगी। तो मैं यहाँ पर सिल्वर के भगोने में ये टिप बता रही हूँ, आप इसके बजाय स्टील का भगोना भी ले सकती हैं अगर वो जला हुआ है तो। तो ये अभी गर्म है क्योंकि अभी तुरंत मैं इसको उतारी हूँ और तुरंत मैं सोची कि आपके साथ टिप शेयर कर दूं। तो इसमें डाल दीजिए पानी। तो जहां तक आपका बर्तन जला है वहां तक इसमें पानी भर दीजिए। मैं भी देखिए जहां तक जला है वहां तक पानी भर दी हूं। अब इसमें हमें डालना है नींबू। तो नींबू का छोटा सा टुकड़ा हम ऐसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए नींबू का छोटा सा टुकड़ा मैं कट कर ली हूं। और अगर आपके पास नींबू का छिलका है, मतलब कि नींबू को निचोड़ ले रही है, उसके छिलके को आप फेंक रही है, तो वो छिलका भी ले सकती है। और इसी के साथ में डाल देंगे 1/2 से 1 चम्मच नमक। अब इसको एक बार मिला लेंगे। अब इसको इसी तरह से छोड़ देंगे रात भर के लिए। रात भर में हम देखेंगे अपने आप से ही ये छूट जाएगा, इसमें जरा सा भी मेहनत करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हम हाथ लगाएंगे और जितना भी जला है सब आसानी से छूट जाएगा। तो रात भर के लिए इसको मैं छोड़ दे रही हूँ, फिर नेक्स्ट डे आपको दिखाऊंगी इसको साफ करके। तो रात भर के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दी थी। अब मॉर्निंग में हमें इसको साफ करना है। तो बस इसको इस तरह से ही मैं कर रही हूँ, ये देखिए ऐसे छूने से ही कितने अच्छे से ये साफ हो रहा है। बस हल्का सा इसको मैं ऐसे कर रही हूँ। अब इसका पानी हम फेंक देंगे। अब हमें चाहिए तार वाला स्क्रबर और बस इससे हल्के हाथ से हमें रब करना है, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथ से ही रब करेंगे तो बहुत आसानी से छूट जाएगा। तो ये देखिए इसको मैं इस तरह से करके दिखा रही हूँ कितनी आसानी से ये छूट जाएगा। तो बस एक बार मैं इसको ऐसे की हूँ और देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए थोड़ी देर इसको मैं और रब कर रही हूँ तो बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा। और अभी तक इसमें मैं साबुन सर्फ कुछ भी नहीं लगाई हूँ, तो बस ऐसे सिर्फ तार वाले स्क्रबर से ही इसको रब कर रही हूँ। तो बस थोड़ी देर ही मैं इसको रब की हूँ और बहुत अच्छे से छूट चुका है। तो अभी मैं इसको ऐसे ही धुलकर फिर आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए बहुत अच्छे से हमारा ये भगोना चमक चुका है और कितना ज्यादा जला था कितना बढ़िया से साफ हो गया है। तो एक दो बार हम इसमें कुछ बनाएंगे और फिर से इसको अच्छे से साफ कर लेंगे तो और बढ़िया चमक जाएगा। तो इस तरह से आप बिना मेहनत के, बिना ज्यादा समय के ही जले हुए बर्तन को बहुत आसानी से साफ कर सकती हैं। तो है ना कमाल की टिप। नेक्स्ट टिप के लिए मिक्सी जार में 2 टेबल स्पून मैदा डालेंगे, 1 कप सूजी, मोटी महीन कोई भी सूजी ले लीजिए,
अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ताजी दही। इसी के साथ में डालेंगे 1 कप से थोड़ा सा कम पानी, यानी कि 1/4 कप पानी, और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये बैटर तैयार हो गया, इसको अभी हम साइड में रखेंगे। दूसरे बर्तन में लेंगे 1/4 कप गुड़। गुड़ को छोटे टुकड़ों में तोड़कर फिर लीजिए तो नापने में आसानी होगी और बहुत जल्दी से ये मेल्ट भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर गुड़ की चाशनी बनाई हूँ, आप चाहे तो इसी तरह से चीनी की चाशनी भी बना सकती हैं। अब इसमें 1 कप पानी डालकर उबालेंगे। तो जैसे ही गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो जाए, अच्छे से उबाल आने लगे, तो बस 5 मिनट के लिए इसको पकाना है। 5 मिनट के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे और चाशनी देखिए थोड़ी गाढ़ी चिपचिपी सी है, तो इसी तरह से होनी चाहिए। चाशनी तैयार है, इसको साइड में रखेंगे। अब बैटर को बाउल में निकालकर इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच इनो, साथ में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच पानी, जिससे अच्छे से एक्टिव हो जाए। अब दोनों चीजों को अच्छे से मिला लेंगे बैटर में। बैटर रेडी है, अब इसको कोन में भर लेंगे और कोन में बिल्कुल छोटा सा कट लगा देंगे। अब कढ़ाई में मीडियम फ्लेम पर तेल या घी गरम करके इसमें हम जलेबी बनाएंगे। इस तरह से जलेबी जैसे बनती है छोटी बड़ी, आप अपने हिसाब से बना लीजिए। और फ्लेम मीडियम रखेंगे, तेल भी मीडियम गरम होना चाहिए। इस पर बहुत ज्यादा कलर नहीं लाना है क्योंकि सूजी की जलेबी है, तो बहुत जल्दी से ये क्रिस्प हो जाती है। दोनों तरफ से हल्का सा कलर आ जाए, निकालकर गुड़ की चाशनी में डालेंगे। 1 मिनट तक पड़े रहने देंगे और 1 मिनट के बाद चाशनी से बाहर निकालेंगे। तो है ना बहुत आसान तरीका। इस तरीके से जब भी आपका मीठा खाने को मन हो तो फटाफट गुड़ की जलेबी बनाकर तैयार कर सकती हैं। सुबह में दाल वाला पराठा बनाने के लिए आटा लगाई थी और थोड़ा सा आटा बच गया था, जो इसका स्टफिंग होता है, स्टफिंग खत्म हो गया था और ये आटा बच गया था। तो इसको मैं फ्रिज में रखती थी कि शाम को इससे कुछ बना लूंगी। तो अभी मैं इसको फ्रिज से निकाली हूँ तो देखिए आटा एकदम टाइट हो चुका है और ऊपर देखिए ये पपड़ी जैसा जम गया है, जबकि मैं इसको ढक कर रखी थी, तेल नहीं लगाई थी, ऐसे ही रखती थी, जिसकी वजह से ये पपड़ी जैसा जम गया है और आटा एकदम टाइट हो गया है। और अगर सुबह का आटा बच जा रहा है तो आप उसको रात के लिए रख सकती हैं कि रात में रोटी बना लेंगे, लेकिन रात का आटा सुबह के लिए बिल्कुल ना रखिए। तो फ्रिज में रखे हुए आटे को आधे से 1 घंटे पहले ही फ्रिज से निकाल दीजिए, फिर ये सॉफ्ट हो जाता है, तब आप इससे रोटी बना सकती हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि तुरंत ही आटा हम निकाले और तुरंत ही हमें रोटी बनाना है, तब काफी दिक्कत होती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कैसरोल में डालेंगे गर्म पानी। इस तरह से थोड़ा बढ़िया गर्म पानी डाल देंगे और ये बाउल इसमें रख देंगे और अब इसको बंद कर देंगे। अब बंद करके इसको हम रख देंगे, जब तक आपका तवा गर्म होगा आप रोटी बनाने की तैयारी करेंगे, तब तक ये डो सॉफ्ट हो जाएगा। तो 1 से 1.5 मिनट हुआ है और ये देखिए आटा एकदम सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए पहले आटा कितना टाइट था, अभी एकदम सॉफ्ट हो चुका है और इसकी ये जो पपड़ी है ये भी देखिए सॉफ्ट हो चुकी है, ये देखिए। तो बस अब हाथ से अच्छी तरह से मसल लीजिए और फिर आप इससे रोटी पूड़ी पराठा जो भी चाहे बना सकती हैं। इस तरह से आप फ्रिज में कितने देर के लिए भी आटा रखिए, कुछ देर में ही एकदम सॉफ्ट हो जाता है, एकदम मुलायम हो जाता है। तो दोस्तों आपको इसमें से कौन सी टिप ज्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह से यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं, साथ ही हमारी YouTube फैमिली में भी शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।